गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ब्लॉग करूं, बट मैं कर रही हूं क्योंकि मेरी इकलौती नहीं बहुत सारी है पर मेरे ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है उसकी शादी है। तो आज है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरी फ्रेंड मतलब जिसकी शादी है वो चाहती है कि मैं ब्लॉग करूं, तो मैं क्यों ना करूं। वही तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं संगीत के लिए और मैं जिसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ उसको भी दिखाती हूँ कितनी वाव लग रही है। सो रेडी होके बैठी है बाय द वे, ये रही सच में बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत ही ज्यादा वाव लग रही है। एक तो अभी गोरे होने का फायदा बहुत है, ये लोग गोरे हैं ना इसलिए क्या लिपस्टिक लाइनर भी कर लेना तो एक खत्म अलग ही लुक आ जाता है। हम लोग हम जैसे लोगों को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन सुधा नहीं करती वो मेहनत भी, बहुत आलसी हूँ ना मैं बस इसलिए। तो अभी मैं और किंजल जा रहे हैं थोड़ू सा ही जो रेडी होंगे उसके बाद हम नीचे जाएंगे संगीत में। तो अब हम नीचे जाके मिलेंगे ठीक है। और ये हमारी दुल्हन इसका मैं फुल लुक अलग से डाल दूंगी। तो अभी मैं और सुधा मतलब रेडी हो रहे हैं, ये गधी को पता नहीं था कि ये बैक कैमरा अब ज्यादा क्लियर रहता है, ये फ्रंट कैमरे से ब्लॉक कर रही थी, अभी मैंने उसको सिर्फ साफ करके दिया है कैमरा और इतना पाव आ रहा है, मतलब मैं थोड़ी की ट्रिक्स देती रहूंगी इसको तो तू सीख लेना। ये मेरी सीनियर है ना ब्लॉगिंग करने में, चल ले काम कर के हमें अभी चाहिए जाने से किंजल नहीं कोई रूम में जाना कुछ नहीं, मैं क्या करने वाली थी वही करूं। अरे तुम वाली जूते अधूरी रेडी हुई है अकॉर्डिंग टू किंजल और मुझे पूरा करना है और से मेकअप भी नहीं करती कुछ भी नहीं करती, कैसे चलेगा फ्रेंड की शादी में। श्वेता अरे मुँह जाओ अगर ऊपर मेरे को रेडी करने पास कीजिए, सेम ही करूँगी। सो हम लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद बाहर जाएंगे, पता नहीं संगीत में कितना क्या, मैं तो जल्दी जाने वाली हूँ कितना अटेंड करूँगी मुझे नहीं पता। पिंकी की शादी में आई थी नहीं ये पिंकी की शादी में आई थी ये रेडी होके घर पे चली गई थी और यहाँ पे मुझे वही लग रहा है क्योंकि नाइट में घर वाले टाइम सेट कर देते हैं, देखते हैं अभी आज क्या होता है। मैं और किंजल हो गए रेडी, अब हम बाहर जाएंगे फोटोशूट करेंगे और फिर जाएगी सुधा घर पे इसको नाचने को नहीं मिलने वाला है मुझे पता। कोई नहीं पर मैं संगीत के वीडियोस डालूंगी क्योंकि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ अभी बाहर, हमारे दोस्त लग रही हूँ बाहर हमारे फ्रेंड्स आए उनसे मिलवाती हूँ। तू रेडी हो गया, रेडी क्या होगी आ रही है। फाइनली हमारे सारे FB के फ्रेंड्स आ गए हैं, अभी ये सारे रेडी होंगे। अभी हम भूत बन के आए, देखो ये देखो 1.5 किलो का लेपा पोती, अभी इसमें प्लास्टिक सर्जरी होगी उसके बाद मिलेंगे, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा भाई, अभी लीपा पोती करने के बाद सब मिलेंगे तो मिलते हैं। यहाँ चल रहा था श्वेता का फोटोशूट, उसके पास जाएंगे श्वेता की शादी में। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, कान की इयररिंग्स बाकी है बट मैं वो वहाँ जाके पहनूंगी, सो वहाँ जाके प्रॉपर पूरा लुक दिखाती हूँ। अरे यार ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट लग गई है काम पे, एज ऑलवेज हर बार की तरह इसको मैंने अडॉप्ट किया, जब तक हमारे पास किंजल है तब तक हमें टेंशन नहीं है, जबकि अच्छा है जब किंजल छूटेगी तो खुद से तो तैयार, हम किंजल को छोड़ेंगे नहीं, किंजल सबसे लास्ट ही शादी करने वाली, वही इसीलिए ग्रुप की तैयारी नहीं हो रहा है, ग्रुप की सबसे छोटी किंजल ही भगवान ने बनाई कि लास्ट में जाएगी, सही है। हाँ यार सोचा होगा ना भगवान, इतनी टैलेंटेड लड़की को लास्ट में रखता हूँ।
हो गए हैं, ये है मानसी, किंजल, ईशा, वो प्रगति अपने दुपट्टे में उलझी हुई। किंजल किंजल सबसे लास्ट आके ला, मैं तेरे को दिखा दूँ, ला दिखा दे। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तो ठीक है, आप शेयर करा। आज ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो किसी ने नहीं दिया यार मानसी। वाह वाह, फिली जो मिल। हम निकलने वाले थे पर एज यूजुअल हमारे पास एक दोस्त है जो कि फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही है कि उसको कौन सी ओढ़नी पहननी चाहिए। सो वो अपने मन का कर रही है और करती रहेगी, उसका रोज का है। वो कभी फोटोज से सेटिस्फाइड नहीं होती, वो कपड़ों से सेटिस्फाइड नहीं होती, मेकअप से भी नहीं, मतलब किसी चीज से नहीं। साली लगती है अच्छी है लेकिन उसको खुद को भरोसा नहीं है, वो अच्छी दिख रही है। हम इतनी बार बोले अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है, बट उसको अपने मन का ही करना है एज यूजुअल। हम कॉलेज से झेल रहे हम कॉलेज से झेल रहे इसको, ये सभी सीधे रहेंगे तो कैसे चलेगा। सही बात है, और मेरे को देख लो, मैंने खुद से लहंगा चार्ज किया, ये दुपट्टा दिखा। हाँ देख ले, यही चाहिए। चलो अभी फाइनली हम जा रहे हैं, अब वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं। लोग हॉल में मिल गए और ये सब मिले। हैंडसम दिख रहा है वो पीछे है, जो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं उसको बाद में मिलवाते हैं। ये अभी मंडप में दूल्हे के बाद यही बैठेगा, इतना रेडी हो गया है। ओए ये जब लड़का पाती तब उसको छेड़ने लगती है। हंस दिया। स्ट्रगल करती हुई किंजल, कितनी मस्त लग रही किंजल, थोड़ा साइड हटना। माय गॉड सीरियसली मेरे को बता दिया। किंजल
सब खाने पीने फिर मिलेंगे। श्वेता की शादी हो गई और हम यहाँ बैठ के गप मार रहे हैं। इसको कुछ ज्यादा ही खुशी है श्वेता की शादी की। अब इसके बाद पग्गू का नंबर देखो कौन जाता है, ये सुधा जाती है या पग्गू जाती है। देखो बच्चे की शादी रहती है। शादी हो गई, उसकी विदाई हो गई, उसके बाद तारा बाय बाय की जा रही है और प्रिया भी, प्रिया बाय। किसी का बच्चा जा रहा है और प्रिया का भी, ये लोग जा रहे हैं और हम लोग श्वेता को बकायदा विदाई देके जाएंगे। फीलिंग कैसी? ग्रेट। और जीजू श्वेता को मिलके कैसा लग रहा है? लड़की मिल गई तो खाने पे फोकस। शादी ओवर और हम सब जा रहे हैं घर और पग्गू को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, वो भाग गई आगे जाके खड़ी है। बाकी सब जा चुके हैं, अभी हम भी दफा हो रहे हैं। दफा। डाकू बन के सब घर जा रहे हैं और ये ब्लॉग ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि फाइनली शादी वादी ख़त्म, विदाई जब होगी होगी, बट अब हम घर जाके शांति से सोएंगे। सबसे पहले चाय पियेंगे। चल रहे सो बाय।